हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ लेसन नंबर 5। फर्स्ट है आपका चूज द करेक्ट आंसर। द लॉ पास्ड इन 1850 मेड कन्वर्जन ऑफ क्रिश्चियनिटी इजियर। द हाइएस्ट पोस्ट दैट एन इंडियन कुड गेट इन द आर्मी वाज दैट सूबेदार। Who organized the revolt at Arha? Kunwar Singh. Who was the first viceroy of the India? Lord Canning. Okay. Next hai question answer. Name of the last Mughal ruler? Bahadur Shah Jafar. Write one reason of the revolt. Nawab lost their power. ठीक है, जो एक reason था क्या था कि Nawab lost their power. Why did soldier फाइंड इट्स ऑफेंसिव टू वाइट द पेपर ऑफ कार्टेज। ठीक है, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ पिग एंड काउस फैट। क्यों मना किया था उन्होंने इसको कार्टेज को यूज करने के लिए, क्योंकि जो उसका पेपर था वो किसे बना होता था, बिकॉज इट्स मेड अप ऑफ पिग्स एंड काउस फैट। ओके, नेक्स्ट है रीड द क्लूज एंड अनजम्पल्स द वर्ड टू गेट द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द रूलर ऑफ दिस प्लेस डिड नॉट ज्वाइन द रिवॉल्ट। नावा, NABHA. द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वॉज व्यू विद सस्पिशियंस इन फील्ड राइफल्स। ठीक है, ये इन्होंने राइफल फर्स्ट राइट कर दिया, राइफल को लास्ट में राइट करिएगा, इन फील्ड राइफल्स। दिस वॉज द सेंटर ऑफ रिवॉल्ट लखनऊ। ओके, नेक्स्ट है आपका These remain royal of the British and even actively support the Gorkhas. ठीक है, next है fill in the blanks. The revolt of 1857 was started by the सिपाहीज। जो सिपाहीज थे उन्होंने start किया था इसको। मंगल पांडे was the first सिपाही to protest against Greek cartest. द रिवॉल्ट इन दिल्ली वॉज लीड बाय बहादुर शाह जफर। ठीक है, नेक्स्ट, द हिंदूज एज वेल एज मुस्लिम वर अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यू टू द एनेक्सेशन ऑफ लैंड। बहादुर शाह जफर वॉज डिपोर्टेड टू रंगून। बहादुर शाह जफर को कहा, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, रंगून की जेल में डाल दिया गया था उनको। रानी लक्ष्मीबाई वॉज फ्रेंडली टू द ब्रिटिश। फॉल्स, द सिपाही रिफ्यूज टू सर्वर द ओवरसीज। थ्रू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्प्रेड थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, ये ट्रू है आपका। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट फ्रॉम द कानपुर। फॉल्स, कहां से स्टार्ट हुआ था आपका, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पार्टिसिपेट्स इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या सभी सेक्शन सोसाइटी के सभी सेक्शन से पार्टिसिपेट किया था? नहीं। फॉल्स, कुछ सेक्शन से ही किया था, सबने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके डिफाइन करना है आपको। पहले हैं सिपाहीज, राइट करेंगे आप सिपाहीज। सिपाहीज वर एन इंडियन सोल्जर्स इन ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में जो इंडियन सोल्जर्स होते थे वो कौन थे? सिपाहीज थे। रिवॉल्ट, रिवॉल्ट मीन्स टू राइज अप अगेंस्ट एन अथॉरिटी इन एक्ट ऑफ रेवेलियन। इनफील्ड राइफल्स आर अ सिंगल शॉट म्यूजल लोडिंग राइफल यूज बाय ब्रिटिश आर्मी। ओके, नेक्स्ट है रेवल्स। Rebels are people who are fighting against their own country's army in order to change the political system there. Okay, repeat kar rahe hain isko. Rebels are people who are fighting against their own country's army in order to change the political system there. Okay, next hai aapke question answers. फर्स्ट है, व्हाट वाज इमीडिएट काउज ऑफ द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट का जो इमीडिएट काउज था वो क्या था? तो पेज नंबर 87 ओपन करेंगे आप इसके लिए। पेज नंबर 87, यस,
द प्राइमरी एंड द इमीडिएट काउज ऑफ द रिवॉल्ट वॉज इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीस कार्टेज इन द आर्मी, मतलब जो आर्मी थी जब उसको ग्रीस कार्टेज के बारे में उसको पता चला था, ये इसका मेन कारण था, तो इन लोगों ने क्या किया था, रिवॉल्ट कर दिया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वट रोल डिड रानी लक्ष्मीबाई प्ले इन रिवॉल्ट, रिवॉल्ट में रानी लक्ष्मीबाई ने क्या रोल प्ले किया था, तो पेज नंबर 88 पर आइए आप इसके लिए, यहां से राइट करेंगे आप, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट वाज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, टेल्स ऑफ हर ब्रेवरीज एंड कॉरेज एंड मिलिट्री स्किल हर इंस्पायर्ड इंडियन एवर सिंस द रिवॉल्ट ऑफ 1857, हेयर टू हेयर। ओके, इज द आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, वट वर द मिलिट्री काउज फॉर द रिवॉल्ट, ठीक है, मिलिट्री काउज क्या थे इसके, तो आप आएंगे पेज नंबर 87 पर, ऑन द पेज नंबर 87 मिलिट्री काउजेस, द सिपाहीज वर डिसकॉन्टेंट्स बिकॉज देयर सैलरी एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ द प्रमोशन वर नॉट इक्वल टू दोज ऑफ द ब्रिटिश सोल्जर्स, ठीक है, जो उनकी सैलरी थी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, इक्वल नहीं थी, इवन द स्पेशल अलाउंस दैट वाज गिवन टू देम व्हेन दे वर सेंट टू वार एज डिसकंटिन्यू, वी साइड्स द सिपाहीज रिसेंटेड द ब्रिटिश रेगुलेशन बैनिंग बियर्ड एंड यूज्ड टू कास्ट मार्क्स एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ टर्बन विद द लेदर कैप, हेयर टू हेयर। ओके, हेडिंग है आपका मिलिट्री काउज, उसमें आपको सेकेंड लाइन में द सिपाही से लेदर कैप, ओके, हेयर टू हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई वर द कॉमन पीपल फेल्ट इनसिक्योर बाय द एक्टिविटीज ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, पेज नंबर 86 ओपन करेंगे इसके लिए आप, रिलीजियस काउजेस, द फियर अमंग द पीपल दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज डिटरमाइंड एंड डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन्स एंड कन्वर्ट ऑल इंडियन टू क्रिश्चन, द इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज एंड द एक्चुअल कन्वर्जन मेड बाय देम बट टेकन एज प्रूफ ऑफ दिस फियर, ओके, हेयर टू हेयर, इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वट वर द रीजन ऑफ डिसकॉन्टमेंट अमंग द पीजेंट, पेज नंबर 86 पर, ये भी इकोनॉमिक काउजेस, द लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट इंट्रोड्यूस बाय द कंपनी डिमांडेड हाई टैक्स द अफेक्टेड ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, द पीजेंट सफर ड्यू टू हाई रेवेन्यू डिमांड्स एंड द स्ट्रिक्ट रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी, ओके, हेयर टू हेयर, ऑल इज फ्रीलाइंस। नेक्स्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, हाउ डिड रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया, पेज नंबर 88, लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया एंड बिहार ज्वाइन द रिवॉल्ट, द इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट वर दहली, कानपुर, लखनऊ, बरेली, झांसी एंड आरा इन बिहार, इन दहली द एज्ड इम्पीरियल बहादुर शाह वाज सिम्बॉलिक लीडर ऑफ, बट द रियल कमांडेड वाज विद अ कोर्ट ऑफ सोल्जर हेडेड बाय जनरल वक्त खान एट कानपुर, द रिवॉल्ट वाज लीड बाय नाना साहब एंड अडोप्टेड सन ऑफ द लास्ट पेशवा, फर्स्टली हेयर टू हेयर, फिर नेक्स्ट आप राइट करेंगे, द रिवॉल्ट इन लखनऊ वॉज लीड बाय हजरत महल द बेगम ऑफ अवध, ओके, हु हैड प्रोक्लेम्ड हर यंग सन ब्रिज कदर एज द नवाब ऑफ लखनऊ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द रिवॉल्ट वॉज रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, ठीक है, हेयर टू हेयर, देन नेक्स्ट हेयर टू हेयर, फिर लास्ट पैराग्राफ कंप्लीटली, ओके, फर्स्टली हेयर टू हेयर, देन नेक्स्ट हेयर टू हेयर,
रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, फिर उसका नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट टू लाइन्स राइट करेंगे आप नेक्स्ट पैराग्राफ से, हेयर टू हेयर बिहार, फिर लास्ट पैराग्राफ कंप्लीटली राइट कर लीजिएगा। ओके, थोड़ा लेंथी आंसर है ये। नेक्स्ट है आपका, व्हाट वर द काउजेस फॉर द फेलर ऑफ रिवॉल्ट, रिवॉल्ट के फेल होने के क्या काउजेस रहे हैं, तो आप पेज नंबर 89 पर राइट देखिए। मैनी रीजन वर रेस्पॉन्सिबल फॉर द फेलर, ठीक है, यहाँ पर कुछ रीजन्स हैं जो आप कंप्लीटली राइट करने हैं, ठीक है, ये कंप्लीटली राइट कर लीजिएगा जो भी रीजन्स यहाँ पर राइट है फर्स्ट से लास्ट तक, आपको 6 रीजन्स हैं, आपको ये 6 रीजन्स राइट करने हैं। ओके, हेयर टू हेयर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट चेंज टुक प्लेस आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857, जो रिवॉल्ट हुआ था उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 87, हेडिंग राइट कर लीजिएगा आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। फिर आप पॉइंट राइट करिएगा, फर्स्ट पॉइंट, द गवर्नर जनरल अंडर द कंपनी वाज गिवन द टाइटल ऑफ वाइसराय हु बिकम अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, ठीक है। फिर नेक्स्ट राइट करेंगे आप, अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट वाज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है, हु वाज गिवन द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल मैटर्स रिलेटेड टू द गवर्नर ऑफ इंडिया, अ काउंसिल कॉल्ड द इंडियन काउंसिल वाज एट हिज डिस्पोजल टू एडवाइज हिम ऑन द मैटर रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है, इसको कंप्लीटली राइट कर लीजिएगा आप सेकेंड को। फिर इसको अपने शॉर्ट कराया, थर्ड, अ डिसीजन वॉज टेकन टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर इन द आर्मी एंड इंक्रीज द ब्रिटिश सोल्जर, हेयर टू हेयर। नेक्स्ट भी आपको शॉर्ट कर दिया है, द इंडियन रूलर वर अलाउड टू होल्ड देयर किंगडम वट एज सब ऑर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, हेयर टू हेयर। फिर फिफ्थ और सिक्स जो है आप इसको कंप्लीटली राइट करेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स को आप कंप्लीटली राइट कर लीजिएगा। ओके, आपको ये 6 पॉइंट्स हैं जो कंप्लीटली राइट करने हैं। आपका ये लेसन कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट लेसन है आपका लेसन 6, इसको एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।